अब्बू अंदर आए हुए हैं क्योंकि अब्बू को लगी हुई है, अब्बू उनको देने जा रही हूँ गर्म। और ये चलते हुए जग में ना कभी भी चम्मच नहीं हिलाते हैं, समझ आएगी, करंट लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो नाश्ता तो हो चुका है तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब, तो जाहिर सी बात है किचन वगैरह मैंने सारा साफ़ कर लिया है। शॉप से कत्था, क्योंकि अभी रात में ही कत्था बना है जो कि थोड़ा सा उसमें अभी कसर रहती है पकने की। आइश लेके आया कत्था, मैं कत्थे को चढ़ाती हूँ और उसको थोड़ा सा पकाती हूँ। कत्था रात हमने बनाया था तो कत्था अभी थोड़ी सी इसकी कसर है पकने में। आमिर मुझे कह रहे हैं 10 से 15 मिनट पकाना है, इसको बॉयल आता है तो मैं फिर इसको 15 मिनट का टाइम दूँगी। तकरीबन 1:30 बज चुका होगा, हल्की सी आंच पे पकाने के लिए छोड़ दूंगी। अभी जस्ट बाहर निकली हूँ तो इसमें बनना शुरू हो गया, और ये ना कि ये गिर जाए, मेरा काम मज़ीद बढ़ जाए। और ये जब गिरता है ना तो तौबा तौबा बहुत काम मेरा फैल जाता है और मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है। बहुत चलाक हो कत्थे तुम, हमें देखते हो हम बाहर निकले और फ़ौरन बॉयल आ जाता है तुम में, हैं भाई? मैं तुम्हारे पास ही खड़ी हूँ, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें बॉयल करके ही 15 मिनट के बाद नमाज़ पढ़ूँगी, फिक्र ना करो, मैं यहीं खड़ी हूँ। अभी मेरा बेटा लेके आया है चावल, चने और सरदा। अब्बू अंदर आए हुए हैं क्योंकि अब्बू को लगी हुई है, अब्बू उनको देने जा रही हूँ, बेटे को भी देने जा रही हूँ। तो मैंने अभी प्लेट्स में निकाला है, खबरदार खबरदार कथा, आप बॉयल हुए ना तो बस आके फिर मैं बंद कर दूँगी चूल्हा आपके, खामोश रह के यहीं पर आराम आराम से पको। ओके, शुक्र है नहीं बॉयल हुआ, अब्बू को खाना दे आई हूँ। और माशाल्लाह से कथा मेरा हो गया है डन, ये देखें ये इसकी तार बननी शुरू हो गई है माशाल्लाह से। इनका डर इसलिए होता है ये गिरे ना ज़ाया हो जाते, बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए ज़ाया होने से हम बचाते हैं, एक तो ज़ाया ना हो और दूसरा जब ये गिरता है तो बहुत गंदा हाल कर देता है। जैसे कि आप मेरे किचन का हाल देख रहे हैं कि नीचे से फर्श जो है वो कत्थे कलर का हो चुका हो गया हमारा। इतनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, वैसे जाहिर सी बात है कमाना कोई आसान तो नहीं है। चने की दाल, गोश्त मैंने बाहर रखा हुआ है, उस पर सीटी लगी हुई है, और चने की दाल जो है मैंने यहाँ पे बॉईल करनी रख दी है। यहाँ पे मैंने गोश्त को तो इधर पड़े हुए हैं, मैंगो पड़े हुए हैं, मैं बनाने लगी हूँ मिल्क शेक का। दूध मेरा बचा हुआ है और कल के दूध का मैं बना लेती हूँ, कुछ हैं ऐसे ख़राब तो मैंने कहा चलो इसका यही हो सकता है कि हम इसका मिल्क शेक बना लेते हैं। शेक ये क्या बना हुआ है, बासा का बिल कितना आया है? 596 इसके हैं, बासा का बिल रखती हूँ। इसमें डालती हूँ मैं मिल्क शेक, और अभी मेरा ये भी पड़ा है, एक जग और बनेगा, सबके लिए बनता है माशाल्लाह से। ये मैंने फ्रीज़ कर लिया था दूध, अब वो थोड़ा उसकी बर्फ़ बनी हुई है, उसको थोड़ी सी मैं मेल्ट करती हूँ तो फिर मैं उसका ये मैंगो डाल के उसको बनाती हूँ। बिल्कुल फ्रीज़ है, इसको मैं निकालती हूँ, इसको वैसे मैंने तोड़ दिया काफ़ी हद तक, इसको डालती हूँ मैं जग में, मैं देखती हूँ क्या बनता है इसका। ओए भाई गिरी ना, ध्यान से डरा ना दें। आस्ता आस्ता करती हूँ कहीं ख़राब ना हो जाए। मैंगो डाल दिया था, थोड़ी सी बर्फ़ थी मैंने डाल दिया, तो उससे तो ये ग्राइंड हो गया है, ये देखिए सारा मिक्सचर ग्राइंड हो गया। चीनी भी डाल दी है मैंने, बाकी जो मैंने हानिया को दिया हुआ है दूध, मैंने कहा उसको डंडे से कूटो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी। इधर ये हानिया ने कूट लिया बर्फ़ और ये डाल, ध्यान से हानिया ध्यान से, अब ये सारी कर लूँगी, सारा हो जाएगा इंशाल्लाह। देखना एकदम से ऊपर आएगा उछल के वो कैसे, चलो ठहरो वो मुझसे हो गया हो गया हो गया हो गया। मजा आ रहा है जी, आज जैसे क्रीम बन गई है ना जी, मूदी जैसे होता है ना वो बन गई, ये देखिए ओह कितना प्यारा लग रहा है बर्फ। और ये चलते हुए जग में ना कभी भी चम्मच नहीं हिलाते हैं, समझ आएगी, करंट लग जाती है। ये दाल भी मेरी बॉईल हो गई है, इधर गोश्त भी रेडी हो गया है, अब इसमें मैं डालती हूँ दाल। दाल डल गई है माशाल्लाह से। हानिया अंदर से कसूरी मेथी ला दो बेटा, वो डाल दूँगी मैं। हानिया ने ला दी है मुझे कसूरी मेथी और मैं ये डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच है, इससे
जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आयुष को मिल्क शेक, उसके भी जाना है शॉप पे। वो शॉप पे जाएगा तो फिर इनके बाबा घर आएंगे, उसको मैं बनाई क्योंकि आज जल्दी बना लिया मैंने। मैंने कहा जल्दी फारिग हो जाऊँगी मैं आज, मगर फिर भी फारिग नहीं होती हूँ, फिर भी कोई ना कोई काम रात गए तक चल ही रहा होता है मेरा। तो आयुष को देती हूँ मैं मिल्क शेक। नहा के आ गई हूँ और मुझे लगी हुई शदीद भूख, मैंने कहा थोड़ा सा मिल्क शेक पीती हूँ। मिल्क शेक में ज़्यादा, हाँ जी अपनी भी पीने, अभी देती हूँ। मीठा इतना पसंद नहीं है तो चले मैं थोड़ा सा पीती हूँ मिल्क शेक आज। ये फातिमा भी नई नई घर की आई है, फातिमा कह रही है मैंने भी पीना है, तो ये माशाल्लाह से फातिमा भी शौक से पीती है। और दूँ आपको, और आपको दूँ, और पीना है आपने। मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ चाय में मैं मीठा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं वैसे मीठा नहीं लेती हूँ, या फ्रूट्स अगर कोई हो तो वो खा लेती हूँ। तो चने की दाल गोश्त बनाया है, वैसे चावल बनाती हूँ साथ। और माशाल्लाह से ये देखें, से अंधेरा हो चुका हुआ है और मगरिब के जाने हो चुकी हुई हैं। मेरा पौना गिलास होगा इसमें, हम दो प्लेटें मेरे बॉयल चावल की निकल आएंगी, तो इसके साथ ही मैं चावल भी बॉयल करती हूँ और नमाज भी पढ़ती हूँ। पहले नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर चावल बॉयल करती हूँ और आज के व्लॉग को एंड भी करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।